तो जी हाँ, जय हिंद है भाई सबको, स्वागत है फिर से आपका। तो देखिए, आज मैं आपको TGT साइंस और केमिस्ट्री में एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जो कि पूछा गया है, देखिए, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी जो है मुंबई में, और ये पेपर हुआ था 28/9/2015 को, 50 मार्क्स का पेपर था, डेढ़ घंटा इसके लिए दिया गया था, और पोस्ट थी TGT बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, ठीक है। तो ये पेपर मैंने किसी से लिया है, तो यहाँ पे देखिए, स्टार्ट करते हैं, ये इसका पेपर यहाँ पे देख सकते हैं, और स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को करना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की, स्टेट LT हो, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, KVS, NVS और एटॉमिक रिसर्च एनर्जी वाले स्कूल्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो तब भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेन इज -88°C, दिस टेम्परेचर विल बी इक्विवेलेंट टू, यानी आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, इसको आपको केल्विन में बदलना है। तो सबको पता है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है, जो गिवन टेम्परेचर है सेल्सियस में, उसमें जब हम प्लस करेंगे, प्लस करना पड़ता है 273 ऐड करना पड़ता है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 185 केल्विन। तो क्या कोई ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हमें 273 ऐड करना पड़ता है सेल्सियस में, और केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए माइनस करना पड़ता है। इसको याद कैसे रखें? देखिए, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, जब हमें सेल्सियस से केल्विन में जाना होता है, तो हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो छोटे से बड़े में जाने के लिए हमेशा ऐड ही किया जाता है, तो आप ऐसे इसको ऐसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सूटेबल कंडीशन फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, यानी गैस के द्रवीकरण के लिए, लिक्विफिकेशन के लिए कौन सी सबसे अच्छी कंडीशन होती है? तो इसका राइट आंसर है लो प्रेशर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। देखिए, प्रेशर जितना कम होगा गैसों का, उसको उतने ज़्यादा आप उनको लिक्विफाई कर सकते हैं, और प्रेशर जो है कम, हाई पर होना चाहिए, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। हाई प्रेशर से क्या होगा? गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? वो पास आ जाते हैं, बहुत नज़दीक आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, थ्री क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव ए फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनमें से किसका फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता? तो इसका राइट आंसर है एयर का। एयर का राइट जो है, ना तो एयर का वॉल्यूम, ना तो इसका मेल्टिंग और ना ही जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, इन द हाइड्रोकार्बन CH डबल बॉन्ड CH, यानी इथीन दिया हुआ है आपको, द कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज, तो यानी एक हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन की कोवेलेंसी कितनी है? तो कितनी है? चार है, फोर है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए कि द डाइज प्रेजेंट इन फाउंटेन पेन इंक कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ, यानी इस फाउंटेन पेन में जो डाई प्रेजेंट होती है, उसको किस विधि से जो है पृथक किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है क्रोमेटोग्राफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रोमेटोग्राफी से उसे रिमूव कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को इनमें कौन सा, इनमें से वो क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है होमोजेनियस मिक्सचर। क्या होता है ये होमोजेनियस मिक्सचर? होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया जाता है जब किसी को एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, तो एसिडिटी को कम करने के लिए ये एंटा एसिड का यूज करते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा? तो सबको पता है कि टिंडल इफेक्ट कौन सा नहीं दिखाएगा? सुगर सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा, बाकी सब तीनों के तीनों टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे। इस क्वेश्चन का अगर आपको PDF चाहिए, नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहां पे आप इस टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करके इसका जो है PDF पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एट देखिए कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो जो 1 नैनोमीटर होता है वो बराबर होता है किसके? वो बराबर होता है 10^-9, किसके बराबर? 10^-9 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए कि वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज एन एटोमिसिटी ऑफ, यानी इनमें से किसकी एटोमिसिटी 1 है? तो किसकी है? हीलियम की है। देखो, एटोमिसिटी होता है
कि वो एटम कितने एटम से मिलके बना है। जैसे हम सबको पता है कि हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में मिलता है, ये डायटोमिक है। सल्फर हमेशा S8 की फॉर्म में मिलता है, ओजोन हमेशा O3 की फॉर्म में मिलता है, लेकिन हीलियम हमेशा अकेला मिलता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ये इसकी एटोमिसिटी 1 है, ये मोनो एटोमिक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 10 देखिए कि द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज X2SO4 का होल ट्वाइस 3, द फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड ऑफ एलिमेंट एक्स विल बी, यानी कोई एलिमेंट एक्स है उसके सल्फेट का फॉर्मूला ये है, तो उसके नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके नाइट्राइड का फॉर्मूला होगा ऑप्शन नंबर सी XN होगा। क्या होगा? XN होगा, क्योंकि X की भी वैलेंसी 3 दिखा रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 होती है, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, XN बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 10-11 देखिए, 11 क्या है कि N पार्टिकल P हैज 18 इलेक्ट्रॉन, किसी पार्टिकल के पास 18 इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन भी उसके पास दिए हुए हैं, 20 न्यूट्रॉन्स हैं एंड प्रोटॉन भी दिए हुए हैं, प्रोटॉन कितने हैं, 19 प्रोटॉन हैं, तो दिस पार्टिकल मस्ट बी, तो सबको पता है, देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसके पास कोई एटम है उसके पास जो है 18 प्रोटॉन है और 19 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो देखिए 19 प्लस में है, और अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं तो 18 क्या है, माइनस में है, 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 19 प्रोटॉन है, तो 19 पे होता है पॉजिटिव चार्ज, 18 पे होता है नेगेटिव चार्ज, जिसको अगर मैं टोटल चार्ज निकालूं 19 माइनस 18 कितना होता है, प्लस का 1 होता है, जब किसी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या बनाता है, कैटायन बनाता है, एनायन बनाता है, यानी धनायन बनाता है, ऋणायन बनाता है, तो सबको पता है कि वो क्या बनाता है, जब किसी पे पॉजिटिव चार्ज रिजल्ट टोटल पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको हम बोलते हैं कैटायन बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी 11 का डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, किसके पास सबसे ज्यादा एटम होंगे, तो किसके होंगे, ऑप्शन नंबर डी 18 ग्राम ऑफ CH4 के पास सबसे ज्यादा एटम होंगे, क्योंकि 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के पास सबसे ज्यादा क्या होंगे, एटम होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, अब सबको पता है क्लोराइड जो आयन होते हैं दो तरह के होते हैं, लेकिन क्लोराइड सिर्फ एक ही तरह का आयन बनाता है, वो भी कौन सा बनाता है, Cl- बनाता है। अब Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ रहा है, तो Cl- के पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 करना पड़ेगा हमें, तो क्या होगा, 2, 8 और 8, यानी कि 2, 8, 8, कोई है यहाँ पे 2, 8, 8, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, सबको पता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है, लेकिन कौन सा आइसोटोप, तो कोबाल्ट 60 का यूज किस में करते हैं, ऑप्शन नंबर बी कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं, आइसोस्थानिक जो कोबाल्ट का समस्थानिक होता है उसका यूज हम करते हैं इसमें, किसमें, कैंसर के ट्रीटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद Mg2+, यानी क्वेश्चन ये है कि इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसके पास समान इलेक्ट्रॉन हो, यानी जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है Mg2+ के पास, तो देखिए 2+ है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इस पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब 2 की कमी है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए 2.8, तो इनमें से किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2.8 है, तो कैल्शियम का तो होगा नहीं, क्लोरीन का भी होगा नहीं, आर्गन का होगा नहीं, इस O2- का देखिए, O2- का मतलब होता है माइनस का मतलब 2 ज्यादा, तो O के पास होते हैं 8, इसके पास 2 ज्यादा मतलब 10, तो 10 का क्या होगा 2.8, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 देखिए कि वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस फॉर्म्ड व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या होगा गैस का, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 0.56 लीटर वॉल्यूम होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, देखिए सॉफ्ट ड्रिंक एक ऐसे ड्रिंक, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक बोलते से जो हम पीते हैं कोका कोला या कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं उसको सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ पे कहा गया है,
तो वो सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, देखिए सॉफ्ट ड्रिंक में होता है कार्बोनिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हमें वो जो है उसका अजीब सा चिड़चिड़ापन सा लगता है, तो कार्बोनिक एसिड के कारण ऐसा होता है, ठीक है। 18 देखिए, द पीएच ऑफ 1 × 10⁻⁸ मोल हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन इज, तो इसका पीएच की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्योंकि देखिए इसकी पीएच वैल्यू होगी 6 से लेके 7 के बीच में, तो बिटवीन 6 to 7। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि क्या है, 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट, जो सुनार होते हैं, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, उन वो गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स को साफ करने के लिए किसका यूज़ करते हैं इनमें से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो यूज़ करते हैं नाइट्रिक एसिड का, किसका यूज़ करते हैं नाइट्रिक एसिड का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, देखिए सबको पता है इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का निगेटिव चार्ज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही 21 क्वेश्चन नंबर देखिए, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड एन एलिमेंट, जब किसी एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो क्या होता है, देखिए जब किसी भी एलिमेंट से, देखो तीन तरह के पार्टिकल होते हैं रेडियो एक्टिव, अल्फा बीटा और गामा, तो मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कुछ भी है, मान लो जब मान लो इसका एटॉमिक नंबर जो है एन है और एटॉमिक मास एन है और एटॉमिक नंबर एम है, तो जब इससे एक अल्फा रेज अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो अल्फा पार्टिकल के निकलने से किसी भी एटम से जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो इसके एटॉमिक मास में आती है 4 की कमी, कितने की कमी, 4 की कमी, और इसके एटॉमिक नंबर में आती है कितने की कमी, तो किसी भी उससे किससे अल्फा पार्ट, जब किसी एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसके एटॉमिक मास में 4 की कमी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, तो कोई ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे क्या जिसमें 4 की कमी एटॉमिक मास में और 2 की कमी एटॉमिक नंबर में दिखा रहा हो, तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर है क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एलिमेंट मूव टू प्लेस टू द लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसके उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी, इसकी वजह से दो प्लेस में पीछे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 से हम कल इसमें देखते हैं, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।